एनीमिया यानी शरीर में रक्त की कमी। दोस्तों, एनीमिया खून की सबसे सामान्य समस्या है। दरअसल खून में आयरन की कमी हो जाने पर यह समस्या होती है, और भारत में आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया सबसे ज्यादा पाया जाता है। एनीमिया के शिकार अधिकतर लोग हैं। करीब 90% लोग इस समस्या से प्रभावित हैं। बच्चों और महिलाओं में अधिकतर यही एनीमिया होता है। और दोस्तों, आयरन की कमी एनीमिया का सबसे बड़ा कारण होती है। केवल महिलाएं ही नहीं बल्कि पुरुष और यहाँ तक बच्चे भी आजकल एनीमिया की समस्या से पीड़ित हैं। तो आज हम आपको एनीमिया की समस्या से छुटकारा पाने के कुछ आयुर्वेदिक नुस्खे बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में बात करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लाइफ एक्स। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लाइफ एक्स पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप इसे पहले सब्सक्राइब करें और चैनल पर अवेलेबल बेल आइकन को इनेबल जरूर करें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं एनीमिया की समस्या से छुटकारा पाने के कुछ आसान आयुर्वेदिक नुस्खे, जिन्हें अपनाकर आपके शरीर में खून की कमी आसानी से पूरी हो जाएगी। दोस्तों, खून में आयरन की कमी हो जाने पर एनीमिया होता है। एनीमिया से त्वचा में पीलापन, भूख और घबराहट, चक्कर आना, उनींदापन, कमजोरी, थकान आदि अन्य तरह की समस्याएं पैदा हो जाती। इतना ही नहीं दोस्तों, एनीमिया का असर सेक्सुअल लाइफ पर भी पड़ता है। यहाँ आपको एक बात की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है कि जहाँ पुरुषों को रोजाना 8 मिलीग्राम आयरन की जरूरत होती है, वहीं महिलाओं को रोजाना 18 मिलीग्राम आयरन की आवश्यकता होती है। दोस्तों, शरीर में आयरन की कमी होने पर सिर दर्द, नर्वस सिस्टम का कमजोर हो जाना, याददाश्त पर असर पड़ना और एकाग्रता की कमी होना आम बात है। इसके साथ ही व्यक्ति की कार्यक्षमता पर भी बुरा असर पड़ता है, लेकिन आपको इतना घबराने की जरूरत नहीं है। रक्त में आयरन की कमी यानी एनीमिया कोई ऐसा असाधारण रोग अथवा समस्या नहीं है जिसका समाधान ना तलाशा जा सके। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। बाकी अन्य रोगों की तरह आयुर्वेद में एनीमिया का भी पक्का इलाज है। आपको बस जरूरत है अपने आहार में इन 6 मेवों को शामिल करने की, जो आपको एनीमिया की समस्या से आसानी से छुटकारा दिला सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि वो 6 मेवे कौन से हैं। सबसे पहले बात करते हैं काजू की। दोस्तों, काजू ना केवल खाने में स्वाद होता है बल्कि इसमें कई पौष्टिक गुण भी होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं काजू की। दोस्तों, काजू ना केवल खाने में स्वाद होता है बल्कि इसमें कई पौष्टिक गुण भी होते हैं। 10 ग्राम काजू में 0.3 ग्राम तक आयरन होता है। रोजाना 10 ग्राम काजू का सेवन करने से आपको आयरन की पर्याप्त मात्रा मिल जाती है। काजू की तासीर गर्म होती है, इसीलिए भारत जैसे गर्म देश में इसका सेवन सीमित मात्रा में करने की ही सलाह दी जाती है। दोस्तों, रक्त की कमी वाले रोगियों को सर्दी में रोजाना काजू खाना चाहिए। काजू पाचन शक्ति बढ़ाता है, इससे भूख अधिक लगती है, आंतों में भरी गैस बाहर निकल जाती है। दूसरा मेवा है बादाम। 10 ग्राम भुने हुए बादाम में 0.5 मिलीग्राम तक आयरन होती है। बादाम में कैल्शियम, मैग्नीशियम तो होता ही है, साथ ही इतनी मात्रा में बादाम का सेवन करने से आप केवल 163 ग्राम कैलोरी का उपभोग करते हैं। तीसरा मेवा है चिलगोजा। दोस्तों, 10 ग्राम चिलगोजा में 0.6 मिलीग्राम आयरन होता है। इस सूखे मेवे का सेवन कच्चाल अथवा भूनकर किया जा सकता है। चिलगोजा रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ाने का काम करता है। चौथा मेवा है पिंगल फल। दोस्तों, पिंगल फल को पहाड़ी बादाम भी कहा जाता है। पिंगल फल आयरन का उच्च स्रोत होता है। 14 ग्राम पिंगल फल में 0.7 मिलीग्राम आयरन होता है। इतना ही नहीं, इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और विटामिन बी भी काफी मात्रा में मौजूद होता है। ये सब पोषक तत्व मिलकर हमारे शरीर को स्वस्थ बनाने में मदद करते हैं। इतना ही नहीं, इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और विटामिन बी भी अधिक मात्रा में मौजूद होता है। ये सब पोषक तत्व मिलकर हमारे शरीर को स्वस्थ बनाने में मदद करते हैं। अगला मेवा है मूंगफली।
दोस्तों 2 चम्मच पीनट बटर में 0.6 मिलीग्राम आयरन होता है। पीनट बटर में वसा की मात्रा तो कम होती ही है, साथ ही इसमें पोटाशियम, मैग्नीशियम और विटामिन बी भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इससे हमारी सेहत पर काफी सकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। अगला मेवा है पिस्ता। जब बात आयरन युक्त मेवों की होती है तो पिस्ता इस सूची में जरूर शामिल होता है। 28 ग्राम पिस्ते में 1.1 मिलीग्राम आयरन होता है। भारत में पिस्ता आसानी से मिल जाता है। पिस्ते में आयरन के साथ साथ मैग्नीशियम और विटामिन बी भी होता है। दोस्तों, इन सूखे मेवों का सेवन संतुलित मात्रा में ही करना चाहिए, क्योंकि अधिक मात्रा में इनका सेवन करने से मोटापे के साथ साथ अन्य कुछ स्वास्थ्य समस्याएं भी हो सकती हैं, यहाँ तक कि आपकी पाचन शक्ति भी बिगड़ सकती है। दोस्तों, बादाम याददाश्त को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। बच्चों ही नहीं, बड़ों के लिए भी यह बहुत फायदेमंद होते हैं। इसमें विटामिन ई, जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मिनरल और ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर होते हैं। लेकिन बादाम की तुलना में चना कम कीमत में ज़्यादा फायदे देता है। इसमें आयरन, प्रोटीन और कई मिनरल्स पाए जाते हैं जो शरीर को एनर्जी देते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि चनों से हमें कौन से फायदे होते हैं। नंबर 1, कमजोरी करे दूर। इनमें आयरन, प्रोटीन और मिनरल्स काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। इसे खाने से शरीर को कई एंटीऑक्सीडेंट मिलते हैं। इसके सेवन से कमजोरी दूर होती है। तो दोस्तों, इसीलिए अपने आहार में भीगे हुए चने जरूर शामिल करें और अपने जीवन को तंदुरुस्त और बेहतर बनाए रखें। नंबर 2, हार्ट प्रॉब्लम्स। चना खाने से कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल होता है और इससे हार्ट डिजीज का खतरा कम होता है और हार्ट हेल्दी रहता है। नंबर 3, एनीमिया में फायदेमंद। इसमें आयरन की मात्रा अधिक होती है। अगर आप एनीमिया की समस्या से परेशान है तो रोजाना चना खाने से इस समस्या से छुटकारा मिलेगा और आपको बेहतर नींद आएगी। नंबर 4, किडनी की सफाई। दोस्तों, चने में फास्फोरस होता है जो हीमोग्लोबिन का लेवल बढ़ाता है और किडनी से एक्स्ट्रा साल्ट निकालता है। तो इसीलिए अगर आप अपनी किडनी को जिंदगी भर तंदुरुस्त बनाए रखना चाहते हैं तो अपने आहार में भीगे हुए चने को जूस शामिल करें। नंबर 5, हेल्दी स्किन। दोस्तों, इसे चबाकर खाने से स्किन हेल्दी और ग्लोइंग रहती है। इसका रोजाना सेवन करने से स्किन से जुड़ी कई समस्याएं जैसे खुजली और रैशेस से छुटकारा मिलता है और स्किन हमेशा जवान रहती है। नंबर 6, यूरिन प्रॉब्लम्स। दोस्तों, अगर आप बार बार यूरिन जाने की समस्या से परेशान हैं, तो भीगे चनों को गुड़ के साथ खाएं। ऐसा करने से इस प्रॉब्लम से राहत मिलेगी। तो देखा दोस्तों, कैसे ये आम से दिखने वाले मेवे एनीमिया जैसी समस्या का कैसे जड़ से खात्मा कर सकते हैं। अगर आप भी या आपके कोई मित्र संबंधी एनीमिया की इस समस्या से प्रभावित हैं, तो उनके साथ हमारी ये वीडियो जरूर शेयर करें। तो दोस्तों, ये है हमारी आज की खास वीडियो, जिसमें हमने आपको बताए एनीमिया यानी शरीर में रक्त की कमी को दूर करने के कुछ आसान आयुर्वेदिक नुस्खे। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी।